और अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज हम रिएक्शन देंगे, एक वीडियो है रियल फैक्ट्स अबाउट महाभारत। सो इस वीडियो पे हम लोग रिएक्शन देंगे और देखते हैं कि ये वीडियो कैसी होती है। सो उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर प्रेस कर लीजिएगा ताकि सारी वीडियोस जो है वो आप लोगों को मिलती रहें जो भी हम लेटेस्ट वीडियोस अपलोड करते रहें। और इसके अलावा मेरी बहुत सारी ओल्ड वीडियोस भी हैं तो आप उसको भी देख सकते हैं। और सिटीज के ऊपर हमने वीडियोस बनाई हैं और भी बहुत सारी चीज़ों पे हमने इंडियन डेवलपमेंट के ऊपर वीडियोस बनाई हुई हैं, तो क्योंकि आपने नहीं देखी होंगी यकीनन, तो आप ज़रूर देखें, अच्छा लगेगा आपको। और बाकी चलते हैं सो वीडियो की तरफ और रिएक्शन देते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। महाभारत एक ऐसा प्राचीन महान ग्रंथ है जिसमें भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व इतिहास का रहस्य छुपा हुआ है। भारत में कई घटनाएं, संबंध, ज्ञान और विज्ञान से जुड़े रहस्य छुपे हुए हैं। महाभारत को धर्म और अधर्म के बीच हुआ इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध कहा जाता है। प्राचीन समय से लेकर अब तक ऐसे कई प्रमाण मिल चुके हैं जो ये साबित करते हैं कि भारत के इतिहास में घटी महाभारत की घटना एक वास्तविक घटना थी। आइए जानते हैं कुछ ऐसी ही रोचक बातों को जो महाभारत के अस्तित्व को सच साबित करती हैं। महाभारत में आज के शहरों का उल्लेख। पूरी महाभारत में 35 से ज्यादा शहरों के बारे में जिक्र किया गया है जो आज भी मौजूद है। पुरातत्व विभाग के वैज्ञानिकों को इस बात के कई प्रमाण मिले हैं कि भारत और उसके आसपास के कई देशों का प्राचीन महाभारत में विवरण है। जैसे कि महाभारत में उल्लेख हस्तिनापुर आज के उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला है और गांधार वर्तमान समय में अफगानिस्तान के गांधार शहर को कहा जाता है। ठीक इसी तरह श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी भी आज के गुजरात में मौजूद है। महाभारत और रामायण की समानताएं। वैसे तो रामायण और महाभारत दो अलग अलग युगों में लिखी गई है और ये दोनों ही बिल्कुल अलग अलग युगों की घटनाएं थी, फिर भी महाभारत के युद्ध में भगवान हनुमान जी के होने का भी वर्णन आता है। और इन पुस्तकों में जिन जगहों का नाम हजारों साल पहले किया गया था वे ठीक उसी जगह आज भी मौजूद हैं, जैसे कि राम सेतु, अयोध्या, कुरुक्षेत्र की रणभूमि आदि। इसके अलावा अगर ये किताबें काल्पनिक होती तो इन किताबों में इतनी समानताएं नहीं मिलती। घटोत्कच का शरीर। पुरातत्व विभाग के खगोलविदों को कुरुक्षेत्र के पास एक विशाल काय कंकाल मिला है जिसे महाभारत के कैरेक्टर भीम के पुत्र घटोत्कच का कंकाल माना जा रहा है। घटोत्कच भीम और राक्षसी हिडिम्बा के पुत्र थे। महाभारत में घटोत्कच के आकार का ठीक वैसे ही विवरण है जैसे कि पुरातत्व विभाग को कंकाल मिला है। विशाल राजवंश। महाभारत कथा की शुरुआत राजा मनु से होती है और इस विशाल वंश के 50 से भी ज्यादा राजाओं के बारे में महाभारत में जिक्र किया गया है। राजा पांडु और धृतराष्ट्र भी इसी वंश से ताल्लुकात रखते थे। आप ध्यान से सोचिए कि अगर महाभारत कोई काल्पनिक कथा होती तो इसके लेखक इतने बड़े वंश के बारे में लिखने की बजाय सिर्फ 10 या 15 राजाओं के बारे में ही लिखते हैं। और यह बिल्कुल भी संभव नहीं है कि किसी काल्पनिक घटना में 50 से भी ज्यादा राजवंशों का उल्लेख किया जा सके। कलयुग की सच्चाई। ऐसा उल्लेख मिलता है कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश महाभारत के 18 दिन चले युद्ध के दौरान ही दिया था, जिसमें उन्होंने कलयुग यानी कि वर्तमान युग के बारे में भी पूर्ण रूप से चर्चा की थी। आज जो भी घटनाएं हो रही हैं वो पहले से ही गीता में लिखी जा चुकी हैं। अगर आपको यकीन ना आए तो आप खुद ही गीता को पढ़कर अपने शक को विश्वास में बदल सकते हैं। कुरुक्षेत्र की रणभूमि। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था जो कि हरियाणा राज्य के कुरुक्षेत्र जिले में मौजूद है। यहाँ आज भी वो मैदान मौजूद है जहाँ वो युद्ध लड़ा गया था। कहा जाता है कि युद्ध में बहे खून की वजह से कुरुक्षेत्र की मिट्टी का रंग लाल हो गया था और आज भी वहाँ की मिट्टी का रंग भूरा और लाल कलर का ही पाया जाता है। द्वारिका नगरी। हम सब बचपन से यह सुनते आ रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण द्वारिका नगरी के राजा थे और महाभारत के अनुसार ये शहर जलमग्न हो गया था और कुछ सालों पहले पुरातत्व विभाग को गुजरात के तट पर समुद्र में डूबा हुआ एक शहर मिला था जिसकी उम्र महाभारत काल के जितनी ही पुरानी बताई जा रही है। भगवान श्री कृष्ण की इस नगरी को एक संपूर्ण राज्य बताया जाता था। द्वारिका के बारे में
प्रचलित लोक कथाओं में कहा जाता है कि समुद्र ने द्वारिका में रहने वाले लोगों को छोड़कर बाकी सारी नगरी को अपने अंदर समा लिया था। आज से कुछ सालों पहले तक भी श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी को कोरी कल्पना बताया जाता था, लेकिन जब से समुद्र में इस पुराने शहर के प्रमाण मिले हैं, तब से महाभारत के अस्तित्व के सच होने को हरी झंडी दिखा दी गई है, जो कि महाभारत के सच होने का एक बहुत बड़ा सबूत है। तो दोस्तों, ये थे महाभारत से जुड़े कुछ रोचक तथ्य जो महाभारत के अस्तित्व को सच साबित करते हैं। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और ऐसी ही और भी रोमांचक और मिस्टीरियस वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेसिकली बातें थी महाभारत के बारे में, कि महाभारत की जो कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि दरियाफ्त हुई हैं, डिस्कवर हुई हैं, मतलब कि इसे ये जो कि भगवत गीता में भी जो है ये मेंशन हुआ हुआ है ऑलरेडी, जो जो आज के दौर में हो रहा है। अच्छा, ये चीज ना नॉर्मली हम एक ये भी देखते हैं कि हमारे जैसे कुरान पाक है, कुरान पाक में जो चीजें लिखी हुई हैं, तो वही चीजें जो कह दी गई थी, जो लिखी हुई हैं, वही चीजें सेम टू सेम यहाँ पर हो रही है। सेम वैसे ही भगवत गीता की अगर आप बात करते हो तो जो चीज उसमें बताई गई है, उस तरह की बहुत सारी चीजें, मतलब कि वो हो रही हैं जो आजकल के दौर में, तो वो पहले से ही बता दी गई थी कि ये होगा आने वाले वक्त में। तो मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि ये सारी किताब जो है, मतलब कि हिंदुज्म है उनकी जो भगवद गीता है और कुरान पाक है मुस्लिम्स की और बाइबल है क्रिश्चियंस की, तो उन लोगों की ज्यादातर चीजें जो है वो सिमिलर क्यों होती हैं, हर चीज से बहुत ही सिमिलर है। जिसमें भगवत गीता में भी जैसे इन्होंने पहले से ही बता दिया है कि ये होगा इतने सालों पहले, वैसे ही कुरान पाक में भी बता दिया गया है, और यकीनन बाइबल का तो मुझे इतना आइडिया नहीं है, बट मैंने सुना है कि बाइबल में भी है। तो ये सारी चीजें हैं, और इसके अलावा मैंने ये देखा है कि जो है जो पाकिस्तान में एक मोहनजोदड़ो के नाम से बनी हुई है जगह, तो वो उसके बारे में मैंने हिस्ट्री जो सुनी है अब तक, और मैंने इसको सर्च करने की भी कोशिश की थी, तो इसमें ये बताया जा रहा था कि जो है ना ये एक पुराना शहर है जो कि अचानक से बर्बाद हो गया था, और उसके बाद अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ था, तो उसके बाद इस तरह से कुछ हुआ था, तो ये बर्बाद हो गया। तो ये सारी चीजें उसके बारे में आइडिया हुआ। उसकी रियल हिस्ट्री तो अभी तक किसी को इतनी खास पता नहीं है, क्योंकि वहां की लैंग्वेज भी डिफरेंट थी। तो अच्छा, उसके बारे में भी ना ये इस तरह का जैसे इस वीडियो में स्टार्टिंग में दिखाया था ना, सेम टू सेम उसमें भी ऐसे ही दिखाया, मतलब है वहां का व्यू जो है। अगर मेरा कभी जाना हुआ तो मैं अपने व्लॉग में जो है आपको जरूर दिखाऊंगी, लाड़काना साइड पे है वो। तो खैर, इस तरह की चीजें हमें देखने को मिलती हैं जो कि पुराने टाइम की हैं और सिमिलर हैं, क्योंकि पाकिस्तान तो पहले भारत से ही कनेक्ट था, बल्कि भारत का ही हिस्सा था, ये तो अभी जाके कुछ सालों पहले जो है ये इस तरह से हुआ है, डिवाइड हो गया है। तो महाभारत एक बहुत ही बड़ी जो कि युद्ध था, और जिसमें मतलब कि काफी बड़ा जो जो युद्ध था ना वो था भारत में, और उसको आज तक लोग याद भी करते हैं, और इसके बारे में मैंने बहुत कुछ सुना भी है। और जैसे कि मैंने इस वीडियो में ये भी देखा है कि पहले के जो लोग थे उस टाइम के महाभारत के दौर के, तो वो लोग बहुत ज्यादा लंबे हुआ करते थे, हाइट उनकी बहुत लंबी होती थी। अब जैसे कि आपने स्केलेटन देखा, उसमें इतना बड़े पांव थे, तकरीबन इतने बड़े तो होंगे, वीडियो में इतने लग रहे हैं, तो वो वैसे बहुत ज्यादा बड़े होंगे यकीनन। तो उस टाइम के लोग कितने बड़े बड़े हाइट्स की हुआ करते थे, और ये सारी चीजें मैं मतलब मैं हमेशा से सोचती हूँ कि अभी वक्त जैसे जैसे गुजरता जा रहा है तो हम छोटे छोटे होते जा रहे हैं हाइट में। तो एनीवेज, हम वीडियो की तरफ आते हैं। तो महाभारत की जो चीजें इसमें दिखाई गई हैं, बताया जा रहा है, तो इससे ये साबित होता है कि महाभारत बेसिकली जो है ये एक स्टोरी नहीं है, एक रियलिटी है। अब आप लोग कहेंगे कि ये रियलिटी ही है, तुम ऐसे बोल रही हो, तो मैं इसलिए कह रही हूँ कि और भी बहुत सारे लोग देख रहे होंगे डिफरेंट जगह से, तो वो लोग शायद उनके कॉन्सेप्ट ये होगा कि नहीं, महाभारत जो है वो एक स्टोरी है। तो बेसिकली ये स्टोरी नहीं है, ये एक रियलिटी है, और इसी के बारे में ये डिस्कवर करके बताया गया है, और सारी चीजें जो कि कन्फर्म कर दी गई हैं कि हाँ ये एक रियलिटी है। सो खैर, ओवरऑल काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो थी।
काफी चीजें हमें जानने को मिली हैं इसमें। सो आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच गाइस, आप लोग इस तरह की वीडियोस मुझे सजेस्ट करते हैं, देखकर मजा आता है और बहुत सारी चीजें जो है वो जानने को भी मिलती हैं जो कि हमें नहीं पता अबाउट महाभारत, अबाउट इंडिया और भी बहुत सारी चीजें। सो खैर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और आपने अगर मेरा साइमा रिएक्शन चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी जाकर कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, ताकि आपको जो है वो व्लॉग्स वगैरह जो है वो आपको मिल सके उस चैनल पर। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।